हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुटेरिया पर। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। मैंने काफ़ी पहले बताया था कि मैं ये वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन कुछ रीज़न थे जिसके कारण मैं ये वीडियो थोड़ा लेट से आया हूँ, तो मैं वो बताऊँगा रीज़न क्या था। तो आज हम लोग लगभग 50% ऐसे अनुच्छेद जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और वो कम से कम बेसिक तौर पे आपको एकदम याद होने चाहिए, तो उस वीडियो को मैं लेके आया हूँ। लास्ट तक देखिएगा, ऑलमोस्ट ये सारे जितने अनुच्छेद लिखे हुए हैं ये सब आपको याद हो जाएंगे और बहुत आसान है इसे याद करना। और फिर मैं एक नेक्स्ट पार्ट बताऊँगा और उसमें ऑलमोस्ट पूरे ख़त्म हो जाएंगे। तो दो पार्ट में मैंने इस अनुच्छेद को कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको याद होगा और बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद का पाठ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक कमेंट्स जो चाहे कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जान लेते हैं। हमने आपको बताया था अपने पिछले वीडियोज़ में कि संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसे हम लोग मूल संविधान कहते हैं, और मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद रखे गए थे, 395। धीरे धीरे इसमें ए बी सी करके अनुच्छेद जुड़ते गए और ऑलमोस्ट ये 450 से प्लस हो चुके हैं, 450 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। लेकिन चूंकि ये ए बी सी में जोड़े गए थे, इसलिए अगर क्रम संख्या देखी जाए तो आज भी 395 ही है। तो जो महत्वपूर्ण हैं वो चाहे ए या बी के रूप में हो या सीधे क्रम में हो, उन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हम लोग इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इसको याद कैसे रखा जाता है उसको मैं बताता हूँ। कभी भी इन अनुच्छेदों को सीधे याद ना करें, इसे डिवाइड कर दें कुछ ग्रुप्स में फिर याद करें। देखिए कैसे याद होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अनुच्छेद एक से शुरू करेंगे। सबसे पहले है संविधान का भाग एक, जिसमें राज्य एवं संघ, किसका वर्णन है? राज्य एवं संघ का। और यह अनुच्छेद एक से लेकर चार तक में विस्तृत है। तो इसके दौरान मुख्य रूप से तीन अनुच्छेद है जो पूछे जाते हैं, वह अनुच्छेद एक, अनुच्छेद दो एवं अनुच्छेद तीन। अनुच्छेद एक में है भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। यहाँ से आपको कई बार पूछा जाएगा कि अनुच्छेद एक में क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। यहाँ इस वर्ड पर बार बार मैं जोर दे रहा हूँ। कई बार एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं कि भारत राज्यों का क्या है, एक समूह है, एक ग्रुप है या भारत राज्यों का संघ है, तो आपको यही वर्ड यूज करना है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद दो एवं तीन दोनों में राज्य के निर्माण या स्थापना की बात कही गई है। आप सोच रहे होंगे दो और तीन दोनों में एक ही बात कही गई है, तो फिर ये अंतर क्या है? अनुच्छेद दो में कहा गया कि अगर कोई भारत से बाहर का राज्य यानी कोई दूसरे क्षेत्र का प्रदेश यदि भारत में सम्मिलित किया जाता है तो उसे अनुच्छेद दो के तहत भारत में राज्य के रूप में प्रवेश मिलेगा। जैसे कुछ ऐसे प्रदेश जो किसी दूसरे देशों के कब्जे में है और वह जब भारत के हिस्से में आता है तो उसे अनुच्छेद दो के तहत लाया जाता है। और अनुच्छेद तीन कहता है किसी राज्य के नाम, क्षेत्र, निर्माण का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? तीन के अंतर्गत है। और यहाँ से ये क्वेश्चन और भी याद रख सकते हैं, ये दोनों के दोनों शक्तियाँ संसद को प्राप्त है। नए राज्यों के निर्माण संबंधी शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। तो आप आसानी से ये तीन अनुच्छेद जो राज्य और संघ के विषय में बात करते हैं उसको याद कर सकते हैं। पहला, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद दो, कोई बाहरी क्षेत्र के राज्य यदि भारत में सम्मिलित किए जाएंगे तो अनुच्छेद दो के तहत किसी भारत के राज्य के नाम, क्षेत्रफल और उसके स्वरूप में परिवर्तन लाया जाएगा तो अनुच्छेद तीन के तहत। जैसे आपको करंट में पढ़े होंगे 2014 में नए राज्य का गठन किया गया तेलंगाना, तो जो आंध्र प्रदेश से अलग ये राज्य बनाए गए ये अनुच्छेद तीन के तहत बनाए गए। अनुच्छेद चार पूछे नहीं जाते हैं लेकिन अभी हाल ही में पूछा गया, अनुच्छेद दो और तीन के जो प्रावधान हैं कैसे यूज होंगे इसी के संबंध में चार में बताया गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखे। अब देखिए दोस्तों, मैंने भाग दो, भाग तीन और भाग चार को शॉर्ट में डिफाइन किया है। भाग दो अनुच्छेद पाँच से लेकर 11 के मध्य है
और इसमें नागरिकता का वर्णन है। यहां से प्रॉपर बेसिक नागरिकता के संबंध में जानकारी मिलती है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 और इन अनुच्छेदों से ऑब्जेक्टिव बेस में 5-6 करके क्वेश्चन न के बराबर बनते हैं और बहुत कम बनते हैं, तो यहां से आप इसको स्किप कर सकते हैं या नागरिकता चैप्टर के साथ पढ़ सकते हैं। भाग 3 को मैंने विस्तृत रूप से 12 से लेकर के 35 के मध्य जो अनुच्छेद है जिसे हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं, इसका मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 12 से लेकर के 35 तक के मध्य के जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं ऑलमोस्ट सभी मैंने आपको कवर करे हैं और आपको याद कराया होगा। याद होगा 12 से 35 के मध्य कैसे हम लोग याद किए थे 14 में विधि की समानता। जो दोस्तों ने इसे नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख के इस मौलिक अधिकार के अनुच्छेद को याद कर सकते हैं। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51, इसमें मैंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अध्ययन कराया है और ये वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। तो ये दो पार्ट जो है मैंने स्किप किए हैं। इसका रीज़न यही है कि मैंने ये दोनों वीडियो आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आप वहाँ देख करके आसानी से इसे याद कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने ये अनुच्छेद का वीडियो इसीलिए थोड़ा डिले किया क्योंकि मैं ये दो चैप्टर पढ़ाने के बाद ही आपको ये पढ़ाना चाहता था, क्योंकि इन दोनों के अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितने इंपॉर्टेंट ये दोनों अनुच्छेद हैं इन सभी अनुच्छेदों को मैंने अपने वीडियोज़ में कवर कराया और मुझे लगता है कि वो याद होंगे आपको। अगर जिन दोस्तों ने नहीं देखा है तो आप जरूर इन दो वीडियो को देख लें, प्लेलिस्ट में आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। अब आते हैं यहां से, मैं फिर से स्टार्ट करता हूं इस तरफ बढ़ते हुए। तो यहां से आप बेसिक 1 से लेकर 3 तक पढ़ सकते हैं, 2 को स्किप कर सकते हैं और भाग 3 और भाग 4 मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आप हमारे पुराने जो वीडियोज हैं वहां से जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं भाग 4A और इसका अनुच्छेद है 51A। ये VVI रूप में याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्या है? मौलिक कर्तव्य, जनता का कर्तव्य होगा कुछ देश के प्रति, हमारे लोगों के प्रति, इसी कर्तव्य का वर्णन किया गया है 51A में। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान का पार्ट नहीं था बल्कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो ये यहाँ तक के पार्ट्स को हम लोगों ने एक अलग ग्रुप दिया। अब यहाँ से हम लोग जो पढ़ेंगे उसके अनुच्छेदों को पढ़ना और भी इंटरेस्टिंग है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं राष्ट्रपति महोदय से क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय के ऑब्जेक्टिव्स को याद करने के लिए मैंने 2 ग्रुप बनाए हैं, एक आपके यहाँ है और एक ग्रुप आपके यहाँ है। अनुच्छेद 52, 53, 54, 61। अब देखिए कैसे याद करेंगे। 52 कहता है राष्ट्रपति का पद यानी भारतीय संविधान के अनुसार एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद के तहत? 52। 53 में कहता है शक्ति एवं कार्य। अब राष्ट्रपति जी बनाए गए हैं, उनका पद बनाया गया है, तो किसी कार्य और किसी शक्ति के साथ ही उन्हें बनाया गया है, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं पद है उनके पास, शक्ति होगा उनके पास, कुछ कार्य होंगे और फिर उनका निर्वाचन होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था किसमें है? तो यह राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जानकारी अनुच्छेद 54 में है और 61 में है महाभियोग। अब देखिए दोस्तों कैसे इस 4 को याद करते हैं। सबसे पहले ये याद करेंगे 52, 53, 54, 61। पद 53, शक्ति एवं कार्य 54 में उनका निर्वाचन हो रहा है। अब जब निर्वाचन हो गया तो थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि उनको हटाया कैसे जा सकता है, तो वही हटाने की प्रक्रिया है 61 के तहत महाभियोग। इसे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ेंगे, फिलहाल ऑब्जेक्टिव्स याद कर लेते हैं। तो 52 के तहत पद है, 53 के तहत कार्य एवं शक्ति है, 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था है और 61 के तहत महाभियोग प्रणाली का वर्णन किया गया है। अब आइए दोस्तों यहाँ हम लोग आते हैं। मैंने 61 यहाँ भी लिखा है और 2 बार मैंने 61 का जिक्र कर दिया है, तो आप वही चीज़ है महाभियोग। अब आ जाइए यहाँ 72, 85, 123, 143।
72 में क्षमा दान की शक्ति। राष्ट्रपति को मृत्युदंड से लेकर के किसी भी प्रकार के अपराध के लिए क्षमा प्रदान करने की शक्ति दी गई है, वह शक्ति 72 के तहत दी गई है। तो क्षमा दान की शक्ति। लोकसभा का विघटन, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि लोकसभा का विघटन करने की शक्ति किसमें है, तो प्रधानमंत्री की सहायता से 85 अनुच्छेद के तहत ही राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। 85 लोकसभा विघटन की शक्ति। 123 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है अध्यादेश। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, अध्यादेश क्या है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं हमारे यहाँ विधि बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो हमारे यहाँ संसद है केंद्र में, और संसद में तीन स्तंभ होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होते हैं और राज्यसभा। जब तीनों एक साथ परमिशन देते हैं बारी बारी से, तो कोई भी कानून या विधि बनकर तैयार होते हैं, यानी कोई भी लॉ तैयार होता है। लेकिन यदि लोकसभा और राज्यसभा के बैठक नहीं चल रहे हों किसी परिस्थिति में, अभी जैसे नॉर्मल कंडीशन में इनकी बैठक तो वैसे भी साल में 2-3 बार ही होती है, तो जब इनकी बैठक नहीं चल रही हो और देश को किसी भी अति आवश्यक कानून की आवश्यकता पड़ जाती है, तो राष्ट्रपति अकेले साइन कर किसी कानून को बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए याद करना कितना आसान है, 1, 2, 3 ये 3 लोगों के, यानी राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के पावर को अकेले यूज करते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, अध्यादेश। तो 1, 2, 3 अध्यादेश, 3 लोगों की शक्ति जब एक में आ गई तो क्या हो गई, अध्यादेश हो गया। तो अध्यादेश की शक्ति 123। अब 143 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति महोदय को कभी अगर किसी कानूनी सहायता की ज़रूरत होती है, किसी भी कानूनी सलाह की ज़रूरत होती है, विधि समक्ष की सलाह की ज़रूरत होती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, 143 के तहत। तो ये भी बहुत सारे एग्जाम में आए हैं कि राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति रखते हैं 143 के तहत। यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाता है कि वो सलाह तो ले सकते हैं लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपनी स्वेच्छा के अनुसार सलाह का उपयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ से हमने यहाँ तक राष्ट्रपति महोदय को पढ़ा, रिवीजन कर लेते हैं। 52, 53, 54, 61 में पद, 53 में शक्ति एवं कार्य, 54 में निर्वाचन और 61 में महाभियोग। और जब यहाँ आते हैं हम लोग 72, 85, 123 और 143। और हम लोग 72 में देखे थे क्षमादान की शक्ति थी, 85 में लोकसभा का विघटन करने की शक्ति थी, इसके अलावा सत्र बुलाने और सत्रावसान करने की भी शक्ति मिलती है। 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति महोदय के पास, और 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति, लेकिन वे इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ तक हमने राष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़े। अब आते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति के संबंध में। तो उपराष्ट्रपति महोदय के संबंध में 2 अनुच्छेद मुख्य रूप से याद आपको अभी करने हैं, 63 एंड 64। कितना आसान है, 63 में इनका पद, यानी भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, इस संबंध में जानकारी कितने अनुच्छेद के तहत, 63 के तहत। और 64 में यही उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है पहले भी, तो उपराष्ट्रपति महोदय को उपराष्ट्रपति के पद के रूप में वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए ही वेतन दिया जाता है। तो 63 में उनका पद और 64 में राज्यसभा के सभापति। तो उपराष्ट्रपति से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आएंगे तो ये 2 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, 63 और 64। अब आ जाइए प्रधानमंत्री महोदय, यहाँ से भी 2 ही ऑब्जेक्टिव याद करना है, 74 एंड 75। सबसे पहले जब राष्ट्रपति महोदय है, राष्ट्रपति महोदय को कार्य करने की शक्ति तो दी गई, लेकिन एज ए कार्यपालिका का हेड,
पूरे केंद्रीय कार्यपालिका का सबसे प्रधान बिंदु होता है वह राष्ट्रपति होते हैं, सबसे शीर्ष पर होते हैं, उन्हें भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। तो उनकी सहायता के लिए, राष्ट्रपति महोदय की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन की व्यवस्था की गई। अर्थात राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगा, मंत्रिपरिषद होंगे और इसी मंत्रिपरिषद के जो हेड होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। कितना आसान है दोस्तों याद करना। ऑब्जेक्टिव्स देखिए, अगर आप सीधे याद करने निकल पड़ते हैं बिना कुछ देखे सुने तो बहुत टफ लगने लगता है। थोड़ा सा एक खंड में बांटेंगे, हमने यहाँ भाग वन को याद किया, भाग दो से कुछ विशेष है नहीं, भाग तीन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे, भाग फोर जो नीति निर्देशक है उसको, अब 4A में तो बिल्कुल कुछ नहीं है, राष्ट्रपति महोदय एकदम लिमिटेड इतना है चलिए इसको देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय इतना है इसको देख लेते हैं, प्रधानमंत्री के संबंध में तो 74 में कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होंगे और 75 कहता है कि उस मंत्रिपरिषद के जो हेड होंगे वो कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और यही कार्य करेंगे मंत्रिपरिषद की ओर से सबसे शीर्ष बिंदु के रूप में। यही कारण है कि कार्यपालिका का जब वास्तविक प्रधान पूछता है एक्चुअल हेड, तो एक्चुअल हेड हो जाते हैं प्रधानमंत्री, और जब सीधे कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान पूछे जाते हैं तो हो जाते हैं राष्ट्रपति। उम्मीद करते हैं यहां तक आपने याद कर लिया होगा। अब आते हैं हम लोग संसदीय व्यवस्था जो भारत में अपनाई गई है, हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था ली है, तो संसद की कुछ विभिन्न अनुच्छेद हैं जिसको हम लोग याद करेंगे। इन तीनों को एक साथ याद रखिएगा दोस्तों, 79 में कहता है भारत में संसद होगा, यानी संसदीय व्यवस्था का वर्णन कितने अनुच्छेद के तहत है, 79 के तहत। और आप जानते होंगे जो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है उसमें दो सदन हैं, राज्यसभा एवं लोकसभा, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो जो उच्च होगा वो पहले आएगा, जो निम्न होगा वो बाद में आएंगे। तो 79 के तहत संसद, 80 के तहत राज्यसभा और 81 के तहत लोकसभा। हो गया यार दोस्तों, 79, 80, 81 संसद, राज्यसभा, लोकसभा, बहुत आसान। अब आते हैं हम लोग इस अनुच्छेदों की ओर, ये भी संसद से ही जुड़े हुए अनुच्छेद हैं, 100, 105, 108। चलिए याद करते हैं हम लोग इसको। 100 को दो पार्ट में तोड़ दीजिए, 50 एंड 50। देखिए कैसे आसानी से याद कर लेंगे हम लोग इसको, 100 को दो पार्ट में तोड़ेंगे, 50 एंड 50। कहता है भारतीय संसदीय व्यवस्था में है कि यदि लोकसभा में यदि दोनों किसी भी मुद्दे पे यदि वोटिंग कराई जा रही है और दोनों के मत बराबर हो जाते हैं, अर्थात 50-50 हो जाते हैं, बिल्कुल मत बराबर हो जाते हैं और निर्णय नहीं निकल पा रहा है, तो अध्यक्ष महोदय निर्णायक मत देंगे, अर्थात जिसके पक्ष में मत देंगे वो जीत जाएगा। तो आसानी से हमने तोड़ लिया कि जब मत 50-50 हो जाए तो ऐसे समय में अध्यक्ष महोदय को निर्णायक मत देने की शक्ति प्राप्त है, अर्थात निर्णायक मत देंगे वह। इसके अलावा 105, ये बहुत आसान है, संसद का विशेष अधिकार, इसे संसदीय विशेषाधिकार कहा जाता है, संसद का विशेषाधिकार, यानी संसद को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त है, किस अनुच्छेद के तहत, 105 के तहत। अब आ जाइए 108, आपने कई बार सुना होगा श्री श्री गुरु श्री 108 श्री, तो ये जो गुरुजी लोग क्या करते हैं ना, बैठ के प्रवचन देते हैं, और प्रवचन देते हैं तो सब लोगों को साथ में बिठा लेते हैं और एक साथ प्रवचन देना शुरू करते हैं, तो वही 108 गुरुजी से याद कर सकते हैं आप। ये 108 वो है कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ में बैठक करते हैं और जब वो साथ में संयुक्त बैठक होती है उसको बोला जाता है संयुक्त अधिवेशन। क्या कहा जाता है दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन, और किस अनुच्छेद के तहत, 108। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो 108 के तहत की गई है। अब आ जाइए दोस्तों 110 के पास आते हैं, 110 है धन विधेयक।
अब इसको याद करना बहुत आसान है। यहाँ पे गुरुजी आए थे, गुरुजी ने बैठ करके जो है प्रवचन दिया, तो उनको कुछ धन चाहिए, नहीं तो गुरुजी मानेंगे नहीं। तो धन विधेयक। अब यहाँ दोनों से मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो अदर एग्जाम्स में, अदर ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। जैसे संयुक्त अधिवेशन, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो किसी नॉर्मल मुद्दे पर यदि बिल काफ़ी लंबे समय से फंसा है और राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि यहाँ कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, तो वो क्या करते हैं, दोनों सदनों को एक साथ बैठा करके इसका निर्णय निकलवाते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। कौन बुलाते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। इसके अलावा ये 108 के अंदर है, ये ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। धन विधेयक में क्या ऑब्जेक्टिव आता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसके निर्णय हमेशा लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। धन विधेयक है कोई विधेयक, इसका निर्णय कौन लेते हैं? लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। कितने अनुच्छेद के तहत? 110 के तहत। तो पहले तो आप अनुच्छेद याद कर लें, 100, 105, 8, 10, 12, 16, 17। ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो हम लोग संसद के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो 110 कहता है धन विधेयक। अब 112 में आते हैं, गुरुजी को धन देना है। अभी गुरुजी ने संयुक्त अधिवेशन करवाई और गुरुजी को धन देना है 110 के तहत, तो 112 में बुलाया जाता है बजट। इसको हम लोग कहते हैं वार्षिक वित्तीय लेन देन का विवरण। तो आपको पता होगा संसद में प्रत्येक वर्ष जो है बजट पेश किया जाता है और उसी के अनुसार पूरे वर्ष के खर्चे का जो है निपटारा किया जाता है। तो 112 के तहत आप याद कर सकते हैं, 112 के तहत बजट का प्रावधान है, यानी वार्षिक वित्तीय लेन देन का प्रावधान। कितने अनुच्छेद के तहत? 112 के तहत। 116 में है लेखा अनुदान। अब ये लेखा अनुदान क्या होता है दोस्तों? ये क्या होता है, कई बार कुछ खर्चे का वर्णन बजट में नहीं किया जाता है, तो उसे अलग से बिल के रूप में ला करके संसद में पास कराया जाता है। वैसे बजट के जो प्रारूप होते हैं जिन्हें बजट में नहीं रखा गया और अलग से ला करके संसद में पास कराए जा रहे हैं, वो कहलाते हैं लेखा अनुदान। तो इस लेखा अनुदान के संबंध में कितने अनुच्छेद में वर्णन है? 116 के तहत। कितने में दोस्तों? 116। एंड लास्ट संसद का 117, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि ये है वित्त विधेयक। अब यहां से देखिए दोस्तों, ये दोनों को आप एक साथ याद कर सकते हैं, 110 और 117 को। 110 में था धन विधेयक और 117 में है वित्त विधेयक। और 112 और 116 को एक साथ याद कर सकते हैं, 112 में है बजट और 116 में है जो बजट में नहीं है वो क्या है? लेखानुदान है। तो इस तरह से हम लोगों ने संसद के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ा, 79, 80, 81, संसद, राज्यसभा, फिर लोकसभा, 100, 50-50 करेंगे निर्णायक मत अध्यक्ष महोदय, 105 संसद के भी कुछ विशेष अधिकार, 108 गुरुजी आएंगे, गुरुजी बैठक की अध्यक्षता करेंगे यानी संयुक्त बैठक, और 110 धन विधेयक, 112 बजट का प्रावधान, 116 लेखानुदान, 117 वित्त विधेयक। और इस तरह से संसद के जो महत्वपूर्ण थे उन्हें हम लोगों ने देखा। अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए तो ऐसे बहुत सारे अनुच्छेद हैं, लेकिन हम लोगों को 3-4 ही याद रखने हैं, 124, 131, 137 एंड 143। आपको पता होगा दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, और सर्वोच्च न्यायालय के विषय में और भी डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हम लोग कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स उसके पढ़ लेते हैं। 124 के तहत 124 याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। 124 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है, ठीक है। 131 में उसके मूल अधिकारिता या मूल आरंभिक अधिकार, जिसे
क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है, यानी उनके कुछ बेसिक पावर हैं, उसका वर्णन अनुच्छेद 31 के तहत किया गया है। ठीक है, उसको हम लोग आरंभिक अधिकार कहते हैं या क्षेत्राधिकार के रूप में भी जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो बेसिक पावर्स है उसका वर्णन 131 में किया गया है। 137 बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी हाल में बहुत चर्चा में है, तो इसलिए इसको तो बिल्कुल याद रखें। इसे हम लोग कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। ये क्या होता है? ये रिव्यू सिस्टम है। यदि संसद द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है या कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो क्या करता है, 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उस विधि की समीक्षा करता है, यानी जांच करता है, रिव्यू करता है, और उसके बाद अगर उसे संविधान के अनुरूप नहीं पाता है और संविधान के विपरीत पाता है, यानी संविधान का उल्लंघन करता हुआ पाता है, तो इसी अनुच्छेद के तहत उस विधि को रोका जा सकता है, यानी उसे खारिज किया जा सकता है। तो किसी भी विधि को अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट जांच कर सकता है और उसे संविधान के अनुरूप न पाने पर उसे समाप्त कर सकता है। इसे न्यायिक पुनरीक्षण भी कहते हैं, इसे न्यायिक पुनर्विलोकन भी कहते हैं। ठीक है, और 143 हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के संबंध में यहाँ पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति महोदय सलाह ले सकते हैं, तो यहाँ भी वही चीज़ होगी कि 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे हमारे सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए। अब आते हैं महान्यायवादी एवं कैग। ये दो पोस्ट है ऐसे जिन पोस्ट का बहुत ही महत्व है, संवैधानिक पद है, क्योंकि इनका वर्णन अनुच्छेदों में किया गया। तो अनुच्छेद 76 एंड 148 ये दो पद है, इन दो थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्टिव इस पर कवर करूंगा। 76 के तहत महान्यायवादी के पद का वर्णन है और 148 के तहत कैग अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। ये दो पोस्ट हमारे संवैधानिक पोस्ट है। पहले हम लोग महान्यायवादी की चर्चा करते हैं, उनका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, अनुच्छेद 76 के तहत एक महान्यायवादी की नियुक्ति होती है जो प्रधानमंत्री की परामर्श से राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और राष्ट्रपति जी के द्वारा इसकी अधिक जो नियुक्ति होती है वो वास्तव में एक विधि अधिकारी अर्थात एक कानून विशेषज्ञ को भारत सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए की जाती है। वह किसी भी विधि मामले में उनका सहयोग कर सके। अब देखिए कैसे इसको समझ लेंगे। यहाँ पर महान्यायवादी द्वारा अगर अच्छा सलाह दिया जाएगा तो कोई भी कानून जो सरकार बनाएगी उसका रिव्यू यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो उन सभी कानूनी प्रक्रियाओं को ध्यान में रख कर कानून बनाए जाएंगे। तो यही कारण है कि महान्यायवादी की योग्यता जो होती है वो लगभग सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल की होती है। यही कारण है कि इनके द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं वो उनको सरकार मानती है, लेकिन इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, फिक्स कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि सरकार की इच्छा के अनुसार राष्ट्रपति इन्हें जब चाहे बदलते रहते हैं। तो यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। फिलहाल आप याद रख सकते हैं कि 76 के तहत किसका यूज है, सॉरी किसका प्रावधान दिया गया है, महान्यायवादी का। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। 148 में हम लोग आते हैं तो कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं। यह एक सीनियर आईएएस अधिकारी के रैंक के होते हैं और इन्हें कैग के रूप में नियुक्त किया जाता है। इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं और इनका मुख्य कार्य होता है सरकार द्वारा सार्वजनिक धन का जिस प्रकार से व्यय किया जाता है तो उस आय और व्यय का लेखा जोखा करना, अर्थात वो जो व्यय हुआ है वो सही सही हुआ है या नहीं, उसका परीक्षण करना। जान करके आप लोगों को पता ही होगा शायद कि जितने भी हमारे घोटाले उजागर हुए थे बीच में, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला रहा हो या कोलगेट घोटाला रहा हो, उन घोटालों को कैग ने ही उजागर किया था। ठीक है, तो ये हमने आज कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स में इन्हें अनुच्छेदों को देखा कि कैसे यहाँ तक के अनुच्छेदों को हम लोग ग्रुप बाय ग्रुप बांट करके आसानी से याद कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इतने ही ऑब्जेक्टिव्स बचे होंगे, मैं अगले पार्ट में कवर करा दूंगा। और इस तरह से आप अगर इतना कम से कम बेसिक टर्म याद रखते हैं तो फिर अगर आप चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो एक दो और बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन इतने कम से कम बेसिक्स हैं, ये 100% याद रहने चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये आपको याद हो गए होंगे, और फिर से इसे दोबारा देख लें अगर नहीं याद हो रहा है तो।
तो बिल्कुल याद हो जाएंगे दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ाई पसंद आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।